हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं हरिद्वार से। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम जा रहे हैं आज चंडीगढ़। गाइस, हम चंडीगढ़ के रॉक गार्डन पहुँच चुके हैं और ये दिखा रहे हैं हम आपको। इधर आगे क्या है? और यहाँ से आगे एंट्री गेट है। इधर से दूर दिख रहा है ये एंट्री गेट है इधर से, तो वहाँ से जाएंगे हम अंदर। तो गाइस, ये मेरे हस्बैंड है। देखो देखो, छोटा बच्चा कितना प्यारा है। और इधर से एंट्री गेट, यहाँ से चेकिंग हो रही। देखो, और हम गए अंदर। गाइस ये देखो, यहाँ से एंट्री गेट है इधर से। और इधर से ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ से अंदर जाने का। और ये आए हम आज। देखो गाइस, यहाँ पे कितना अच्छा है। पत्थर पत्थर के हैं। ये पत्थर का है ना? हाँ। क्या बना रखे हैं? ये पुराने पत्थरों से बना रखा। पुराने पत्थरों से बन रखा है। अच्छा अच्छा लग रहा वैसे, है ना गाइस? ये जो घर में पुराना सामान होता है, जो मतलब खराब सामान होता है, वो रखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो, जैसे गांव में रिंगाल होता है, तो रिंगाल की बनी हुई टोकरियां हैं, गोल गोल पुरानी बना हुआ है ये। इधर आगे के लिए रास्ता है इधर, और यहाँ पे रास्ता बहुत दूर है आगे तक। इतना तो मुझे भी पता है, फर्स्ट बार आ रही हूँ। तो ये सारी पुरानी मिट्टियों से बना हुआ है। गाइस हमें कुआ मिला है, पर हमें नहीं पता इस यहाँ पे लोग सिक्के डाल रहे हैं और नोट भी डाल रहे हैं। तो गाइस, हमें नहीं पता कि लोग यहाँ पे सिक्के या नोट क्यों डाल रहे हैं। तो गाइस, हमारे पास तो है नहीं ना हम लेके आए, क्योंकि हमें पता है नहीं, तो इसलिए हम नहीं डालेंगे ना सिक्का ना नोट, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो ऐसे हम डाल नहीं सकते। यहाँ पे वीडियो भी बना सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और रील्स वगैरह भी बना सकते हो। और यहाँ पे ना हम मतलब यहाँ पे नहा भी सकते हैं। और यहाँ पे कितना प्यारा दृश्य है देखने के लिए। वाह, मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। मेरा मन कर रहा है यार यहीं रुक जाऊँ। और इधर काफ़ी सारे लोग आ रहे थे घूमने के लिए। और यहाँ पे और ये जो ऊपर है गाइस, ये जो आप देख रहे होंगे, ये मतलब गांव जो वैसे सामान सामग्री होती है उसका बना हुआ है ये पूरा, जो पूरा मेटेरियल है। और ये पूरा घर उसी का बना हुआ है। और ये देखो कितना सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। गांव में तो मतलब कहीं भी, हमारे इधर तो गांव में मतलब घरों में ना लोग जो वैसे सामग्री होती है उसे ऐसी फेंक देते हैं इधर उधर की, किसी काम का नहीं है। बट यहाँ पे इन लोग यहाँ पे ये जो सामग्री रहती है उसे यूज कर रखा है इन्होंने, और कितना सुंदर बना रखा है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा देखने में। देखो ये झेल है, और मुझे झेल में मेरे हस्बैंड ने कैद कर दिया है। बोल रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा बोलते हो, इसलिए इधर इधर झेल के अंदर मुझे बंद कर दिया। तार के ऊपर मतलब ऐसे सजा के रखे हुए दिए, सारे दिए के हैं। इधर से काफ़ी दूर तक सारे दिए लगा रखे उन्होंने, दिए। और ये जो दिख रहे हैं वाइट, ये जो वेस्टेज सामान है, मतलब जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनका नाम, बिजली के बल्ब होते हैं। बल्ब के नीचे से जो स्विच होता है, पलक होता है, उसके बने हुए जो वेस्टेज होते हैं, हम जैसे गाँव में मतलब घरों में ख़राब हो जाते हैं तो हम उसे फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। बट इन लोगों ने यहाँ पे उसका यूज कर रखा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये सारे वो खराब वाले पलक हैं और इधर लगा रखे हैं इन लोगों ने। देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पूरे वेस्टेज सामग्री से बना हुआ है, इसीलिए ये फेमस है, क्योंकि यहाँ पे पूरी वेस्टेज सामग्री यूज हो रखी है। और यहाँ पे पूरे पुराने पत्थर है, और बहुत सुंदर लग रहे हैं। रॉक गार्डन कबाड़ से बना हुआ है, और जो ये पूरा गार्डन है ये पूरा इको फ्रेंडली है। गाइस ये है, ये पूरे पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है यहाँ से बाहर जाने का एग्जिट गेट। तो यहाँ से अब हम बाहर जा रहे हैं। अब जाएंगे हम अपने रूम पे, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट बार आए हैं तो कहाँ रहना अभी। तो हम जा रहे हैं अपने होटल में, और यहाँ से
इधर से बाहर जाएंगे और ये इधर का पूरा, ये मेरे हस्बैंड खड़ा हो रखा मेरा वेट कर रहे हैं, और इधर से पूरा ये देखो गाइस कितना सुंदर है, इधर बहुत पूरे सारे और यहाँ पे ऊपर से लाइट भी है ऑन हो गई अभी से क्योंकि टाइम हो गया है 7 बज गई है, तो यहाँ से जा रहे हैं हम घर। ये देखो ये गेट ड्रम का बना हुआ है पूरा, और ये गेट पूरा ड्रम का बना हुआ है, इसमें अंदर से तो ड्रम है, बाहर से उन्होंने कलर पेंट कर रखा है और पूरा ड्रम का बना रखा है ये गेट।